हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं, तो फाइनली आज मैंने व्लॉग बना ही लिया है। तो आप लोग रहिए मेरे साथ। आज के दिन की शुरुआत है कुछ इस तरह, ग्रीन टी के साथ। फिर चुकंदर का जूस मैंने बनाया, चुकंदर और गाजर को मिक्स करके। तो आज मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैंने ग्वारफली की सब्जी, छाछ और पराठे बनाए। हमारे यहाँ ऐसे दरहरी की फली भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं चली आई हूँ मार्केट में। यहाँ मैं पहुँच गई ग्लो एंड ग्लोसी पार्लर, जो कि ई ब्लॉक राजाजीपुरम में है। तो होली के मैं कलर्स की वजह से स्किन डल हो गई थी, यहाँ पहुंचकर मैंने क्लीनअप कराया और क्लीनअप कराने के बाद फेस पैक लगवाया। तो इतनी बिजी लाइफ में खुद के लिए भी कुछ टाइम निकालना और स्किन केयर दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अभी जूडियो में काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी जूडियो होकर ही आती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँच गई ई ब्लॉक राजाजीपुरम जूडियो के शोरूम पे। वहाँ सच में ड्रेसेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, 699, 899, बहुत सुंदर टॉप्स एंड ड्रेसेस मिल रही थी। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। मुझे पसंद तो बहुत कुछ आ रहा था, पर मैंने सोचा आज के लिए इतना काफ़ी है। से निकलने के बाद मुझे भूख लगने लग गई थी, तो मेरा मन किया कि कुछ खाया जाए और जूडियो जाएं। और ई ब्लॉक राजाजीपुरम में जूडियो के पीछे ही चौराहे पर है श्री मिलन स्वीट्स, जहाँ की स्वीट्स मुझे काफ़ी पसंद है। जूडियो जाएं और वहाँ ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुँच गई श्री मिलन स्वीट्स। वहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरी फेवरेट रसमलाई खाई। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।